हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। कैसे हो बच्चों आप सब? तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं RIMC एग्जाम के बारे में, जिसका एग्जाम बेटा जून 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक पोर्शन आता है आपका मैथमेटिक्स के एग्जाम का। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होता है, मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है वो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है मैथ्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन बेटा ऐसा रहता है जिसमें बच्चे थोड़ा वीक ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सही वे नहीं पता होते कि किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ की तैयारी किस तरह से करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। ओके, तो आपका बेटा फर्स्ट सबसे पहले कि जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप बेटा जरूर नोट कर लो। आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहां पर आने वाले हैं वो है, सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लास्ट डेट है 15th अप्रैल 2023। जिन जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं मंगवाए हैं, फॉर्म नहीं फिल करे हैं, मैं पहले बता देता हूं बेटा 15th अप्रैल लास्ट डेट है। और ये हार्ड कॉपी में फॉर्म आएगा आपके पास, हार्ड कॉपी फिल करके आपको वापिस सेंड करनी है, तो इसमें आपका टाइम लगेगा। तो इसलिए आप अभी मंगवा लो फॉर्म और उसे फिल करके सेंड करो। ठीक है, नाउ आपका एग्जाम डेट, एग्जाम कब है बेटा? 3rd of June को आपका एग्जाम है, यानी कि टाइम कम है, सिर्फ 2 महीने का टाइम रह चुका है आपके एग्जाम में। तो जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर दो बेटा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कि आपके एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पैटर्न में चलता हूं तो देखो बेटा इसमें क्या क्या आते हैं। पेपर 1 आएगा इंग्लिश का, पेपर 2 बनेगा मैथमेटिक्स का, और पेपर 3 बनेगा जनरल नॉलेज का। 3 आपके पास सेक्शन बनने वाले हैं जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का रहेगा। इंग्लिश के टोटल 19 क्वेश्चंस होते हैं, 125 मार्क्स आपको मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम रहता है। अच्छा, ये एग्जाम जो है वो आपका रिटन एग्जाम है बेटा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, ये रिटन एग्जाम है इंग्लिश का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू वाले भी होंगे। ठीक है, अच्छा मैथमेटिक्स की बात करते हैं बेटा, इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और 200 मार्क्स का आपका इसका एग्जाम बनेगा, 90 मिनट का अगेन फिर से आपको टाइम मिलने वाला है। मैथ्स के सेक्शन में अगर मैं चलता हूं तो जीके का सेक्शन जो है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स मिलेंगे और 60 मिनट का जो है इसमें टाइम रहेगा। इसमें टाइम कम क्यों है? क्योंकि जीके का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू सिर्फ टिक करना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये पेपर जो जीके का बनेगा ऑब्जेक्टिव है, मैथ और इंग्लिश का जो है वो टोटली रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, मैथ में प्रॉपर सॉल्व करके आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर बताने होते हैं। ठीक है, तो ये मैथ का आपका पैटर्न चलेगा बेटा। 90 मिनट का टाइम है, 200 मार्क्स मिलने वाले और 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ इंग्लिश और जीके दोनों को मिलाकर 200 मार्क्स मिलने वाले हैं, जबकि मैथ अकेले में 200 मार्क्स है। इसका मतलब हाफ पोर्शन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का है, हाफ मार्क्स आपको मैथमेटिक्स से ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा आपके पास इंटरव्यू है, इंटरव्यू में 50 मार्क्स आपको जो है उसमें मिलने वाले हैं। जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ये है बेटा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये अप टू 10th क्लास लेवल का रहता है आपका। ठीक है, और इसमें ही ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ताकि आप ये स्ट्रेटेजी बना सको कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कितने क्वेश्चन का कहां से बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर बेटा मैं आपको ले चलता हूं, फर्स्ट नंबर सिस्टम है जैसे आपका, इसमें जनरली 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, HCF LCM का क्वेश्चन है, अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में कम ही जाता है, ये बन जाता है 10 मार्क का भी, बट जनरली 5 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट का 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, एवरेज रेशियो का क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का ही चलता है, परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का भी बन सकता है और 10 मार्क्स का भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज का टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी बनता है और 10 मार्क्स का भी बनता है दोनों के लिए, क्योंकि ये भी अच्छा टॉपिक है आपका एग्जाम वाइज। देन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का आपका अगेन 5 और 10 दोनों मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये भी आप नोट करेंगे। टाइम एंड वर्क का जनरली 10 मार्क का ही क्वेश्चन आता है इसका, बट 5 का भी आ सकता है। सिंपल कंपाउंड का 5 मार्क्स का भी है, 10 मार्क्स का भी है।
ठीक है, कुछ टॉपिक है जिनके फाइव ही आते हैं जनरली, बट यहाँ से फाइव और टेन दोनों बनते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन से लेके चलते हैं तो बेटा फाइव मार्क के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। फाइव मार्क क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का फाइव मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, टेन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सेट थ्योरी से जनरली क्वेश्चन आता ही नहीं है, सेट थ्योरी को वैसे छोड़ देते हैं। लाइंस एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन, इन सब से फाइव मार्क के क्वेश्चन जनरली जो है वो कम होते हैं, टेन मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा रहते हैं, यानी कि यहां से टेन मार्क के पक्के क्वेश्चन बनने वाले। मेंसुरेशन से टेन मार्क का क्वेश्चन पक्का बनेगा, फाइव मार्क का कम होता है, टेन मार्क के ज्यादा बनते हैं। एरिया पैरामीटर से फाइव मार्क का क्वेश्चन बनेगा, डाटा हैंडलिंग से फाइव मार्क का क्वेश्चन भी बनता है और 10 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, यानी कि ये वो पोर्शन है जहां से आपको 5 और 10 मार्क के क्वेश्चन बनने वाले। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कहां से 10 मार्क के क्वेश्चन बनने वाले हैं, कहां से 5 मार्क, किधर से ज्यादा स्कोर होने वाला है, पहले उस चीज को अटेम्प्ट करो अपना, ठीक है। जहां से ज्यादा स्कोर होगा वहीं से हम इजिली एग्जाम में सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा अब आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरह से हमने उसको क्रैक करना है एग्जाम को। सबसे पहले राइट स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं, क्या आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे भी हैं, किस तरह का एग्जाम बन रहा है हमारा, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इन तीन क्लासेस की जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स है पहले तो उनको सॉल्व करो, उसमें से जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट हम अदर बुक्स पे जा सकते हैं, जैसे आपकी आरडी शर्मा की बुक्स आती हैं, आरडी शर्मा वाली बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, और मार्केट में अदर बुक्स भी आती हैं, रेफरेंस बुक्स हैं कई सारी जो आपके किस एग्जाम के लिए रहेंगी, आपके आरएमसी एग्जाम के लिए डायरेक्ट बुक्स आती हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये सब आप देखोगे। नंबर टू, ट्रिक्स फ्रॉम द वैदिक मैथ्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन, मतलब कि हमें फास्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि फास्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बेटा आप किसकी हेल्प ले सकते हो, वैदिक मैथ की। वैदिक मैथ के एक ऐसे ऐसे लॉजिक्स है जिससे कि आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर चलते बेटा राइट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, सबसे अच्छा मेथड क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आपको चूज करना होता है बेस्ट मेथड कि कौन सा अच्छा मेथड है, ठीक है। नाउ व्हिच क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट एट फर्स्ट, शुरुआत में सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि हमें श्योरिटी हो जाए कि हमारा मैथ का सेक्शन क्लियर हो जाएगा और एक अच्छा स्कोर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि कहां से 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां से 5 मार्क के। तो सबसे पहले बेटा हमेशा 10 मार्क वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए। 10 मार्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर आपका ज्यादा होगा, 5 मार्क्स वाले से स्कोर कम होगा। इसलिए पहले 10 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आफ्टर दैट 5 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, ये लेके चलना है। अच्छा, यहां पर हमारा बेटा पेपर सॉल्व करते हुए जो हार्ड वर्क है बेटा वो आपका 30% होना चाहिए, स्मार्ट वर्क 70%, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क में लगे रहे यानी कि आप कैलकुलेशंस करी जा रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग मेथड सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपका हार्ड वर्क कम करना है, स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी बनेगी कि किस तरह से हमने स्टडी करनी है मैथ्स के लिए, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हमारी एकेडमी की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, जो जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं, अभ्यासम कैरियर एकेडमी का जो चैनल है यूट्यूब का, अगर उसके थ्रू आप पढ़ रहे हो तो आपको बेटा हमारे लिंक्स के थ्रू ये सब स्टडी मटीरियल आपको मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। वैदिक मैथ के कुछ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई बच्चा क्लासेस लेना चाहता है तो वो 1 वीक के लिए फ्री ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले सकता है, हमारे डेमो क्लास लगा सकता है। आफ्टर दैट हमारा 3rd of April से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आरएमसी के एग्जाम के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, आफ्टर डेमो क्लास आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी 2 मंथ का टाइम है, क्रैश कोर्स हमने बनाया है,
जो आरएमसी एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है बेटा, ओके। देन लाइव क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पे चलेंगी बेटा, लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि आरएमसी के रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, ये हमारी तरफ से आपको बेटा प्रोवाइड होने वाला है। फर्दर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर उन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर कोई डाउट है आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी जो भी आप पूछना चाहो रिगार्डिंग द आरएमसी एग्जाम आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा आपका जो है ये आप मैथ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, तो ये कुछ लिंक्स है जिन लिंक्स पर आपको और फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, एज वेल एज अगर आपको कोई बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी यहां मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए सेशन में आपका ये मैथमेटिक्स का पोर्शन किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी आरएमसी के एग्जाम के बारे में जानना चाहता है। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लगे रहो बेटा।